अभी मैं जाऊंगा अपने रिज्यूमेस बांटने। अभी मैंने KFC अप्लाई कर दिया, एको बिल भी अप्लाई कर देता हूँ। नंबर प्लेट देखो गाइस। अब आप मेरी किस्मत कहोगे यार सच्ची में जॉब्स अवेलेबल है मुझे नहीं पता, मेरे को अभी जस्ट जॉब मिल गई गाइस। इसी बात से मिठाई लेने चलते हैं गाइस, अभी ये चढ़ा दूंगा मैं घर के मंदिर पे। What's up guys, this is Unicos, back to the game with a new video today. So, अभी मैं नहा के निकला हूं गाइस, अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 1 और मेरे हाथ में ये पासपोर्ट है और ये रिज्यूमेस है और अभी जैकेट पहन लूंगा, कभी ठंडी लगती है गर्मी लगती है, जैकेट तो नहीं हुडी है, हुडी पहन लूंगा। तो अभी गाइस क्या हो गया कि इंस्टाग्राम पे मेरी 2-3 वीडियो है ना वायरल हो गई है, तो अभी धीरे धीरे बताता हूँ गाइस क्या मैंने रिज्यूमेस ये सब क्यों ले रखे है, और जो पहले से व्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मतलब मैंने क्यों ले रखे हैं अभी। और अभी मेरे को ये बताया था कि हाँ मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे और मेरे सारे DMs भर गए, मुझे लोग मेल कर रहे हैं, मुझे स्पॉन्सरशिप आ चुकी है कोलैबोरेशन के लिए और मैं अभी भर भर के रिप्लाई कर रहा हूँ सबको, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है गाइस, इतने जब मैसेज आते हैं रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं रात में जब थका आ रहा होता हूँ बैठा अकेला होता तो मैं रिक्वेस्ट खोलता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ और अभी बहुत सारी रिप्लाईज बाकी कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ गाइस सबको रिप्लाई। और बता दो अभी मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, और मेरी एक मन्नत भी थी, मेरी एक मन्नत भी पूरी हो गई है तो मुझे मिठाई लेने भी जाना है। तो आज बहुत काम है, मुझे अपने बैंक जाना है, बैंक अकाउंट, एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया है उसमें थोड़ा पैसा डिपॉजिट करूंगा अभी अभी। उसके बाद मुझे रिज्यूमेस बांटने जाना है, बहुत 10 रिज्यूमे मैंने ले रखे हैं, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था मैंने प्रिंट करवाए हुए, तो अभी मैं जाऊंगा अपने रिज्यूमेस बांटने बहुत सारी जगह, 10 जगह ही जा पाऊंगा 10 ही रिज्यूमे। नॉर्मली यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है हर जगह, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है ऊपर, चेकआउट करना हाउ टू गेट जॉब्स लाइक मी इन जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ योर लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, और हर चीज दिखाता हूँ गाइस क्या है। सो लेट्स गो। तो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ यार, और इसमें भी अभी बहुत सारे मुझे ऐसा मैसेज आ रहे हैं, समवन वांट्स टू सेंड यू मैसेज, समवन वांट्स टू सेंड यू मैसेज। गाइस मैं पक्का रिप्लाई करूंगा बट टाइम लग सकता है, ठीक है, यही है गाइस, यहाँ पे शिफ्ट का कभी पता नहीं होता, आज मेरी कोई शिफ्ट नहीं है, पर ऑफर अगर आ गया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ऐसा ही होता है, कुछ पक्का नहीं पता होता कि कब जॉब आ जाए कब नहीं। तो अभी मेरे पास ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे पास जॉब्स नहीं है, मेरे पास जॉब्स है गाइस बट कैजुअल जॉब, और पार्ट टाइम है उसमें मेरी शिफ्ट एक दो ही है पक्की, ज्यादा और कुछ नहीं। उसमें क्या है गाइस, कैजुअल जॉब्स मैंने बता दिया पिछले ब्लॉग में क्या होती है, पार्ट टाइम जॉब्स बता दिया और किसमें फायदा है किसमें नहीं आपको पता चले गया होगा। तो अभी मेरे पास जॉब्स है बट शिफ्ट्स नहीं है, मैं एम्प्लॉयड बहुत सारी जगह पे हूँ पर शिफ्ट्स अभी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अभी मैं जाऊंगा बहुत सी जगह अप्लाई करने, सबसे पहले मैं अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ क्योंकि बैंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी मैंने मोस्टली मैसेजेस पढ़े गाइस, सभी लोगों की यही एक कॉमन ही क्वेश्चन था कि गाइस जॉब कैसे ढूंढे ऑस्ट्रेलिया में, और तुषार बरेजा ने भी बताया गाइस अपने ब्लॉग में कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स नहीं है, जॉब्स अप्लाई करना पड़ता है। मैंने कम से कम 500 से 600 जॉब्स में अप्लाई कर रहा था गाइस और तब जाके जॉब्स मिली है, ऐसा नहीं कि मैंने 2 जॉब अप्लाई करी और मुझे 2 जॉब तुरंत मिल गई, ऐसा नहीं है। तो जॉब्स है गाइस बट बहुत जगह अप्लाई करना पड़ता है। अब मैं इनमें से 10 रिज्यूमे बांटूंगा गाइस, तो मेरे को कुछ पक्का नहीं कि 10 में मिलेंगे क्योंकि परसेंटेज रेट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो आपको बहुत सही जगह अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो प्रोबेबिलिटी रेट आपका बढ़ जाए। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए मुझे अपने इंस्टाग्राम की रील्स पे, पॉजिटिव्स भी आए बट मोस्टली नेगेटिव्स दिखे, कोई बात नहीं, नेगेटिव हेट भी मिलती है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मैंने स्टार्टिंग में सोचा सबको रिप्लाई करूंगा, बताता हूँ ऐसे कैसे बोल रहे भाई मुझे, बट ठीक है मैं सबको इतना नहीं रिप्लाई कर सकता। और जो मुझे मोस्टली कॉमन क्वेश्चन सब क्या है वो यही थे कि जॉब्स कैसे मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वूलवर्थ्स में स्पेसिफिकली आपको जॉब कैसे मिली, वूलवर्थ्स में हमें भी जॉब चाहिए बताओ भाई कैसे मिली। और उसके बाद सबसे जो बड़ा क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं वो ये था कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढे, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन है पर बहुत महंगा है, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थोड़े दिन रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं और अकोमोडेशन ये कैसे ढूंढे बताओ, और अभी हम इंडिया में है और बस आने वाले हैं जुलाई इंटेक है तो हम कैसे अकोमोडेशन ढूंढे प्लीज बताओ। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, और जॉब्स के बारे में जो भी चीज थी गाइस वो मैंने पिछले ब्लॉग में बता रखी है, मैं ऊपर यहाँ ऐड कर दूंगा हाउ टू गेट जॉब्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ योर लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे पहले हफ्ते में जॉब मिल गई थी मेरी पहली, तो आपको कैसे मिलेगी वो मैं इस ऊपर वीडियो में डाल दूंगा, तो ऊपर प्लीज चेक करना, वो वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में मैं मोस्टली अकोमोडेशन के बारे में बताऊंगा,
और इन वायरल होने में, वीडियोस के वायरल होने के बीच में मुझे एक कोलैबोरेशन ऐसा आया कि जो अकोमोडेशन ही प्रोवाइड करता है, और वो अकोमोडेशन मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है गाइस इसलिए मैं ये वीडियो उनके बारे में बनाऊं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद चेकआउट किया सारा और स्पॉन्सरशिप मिली मुझे एम्बर स्टूडेंट से है। एम्बर स्टूडेंट के बारे में आपने सबने सुना ही होगा, वायरल वीडियोस इनकी बहुत गई हुई हैं। इनके पास 100K+ फॉलोवर्स हैं और इनकी रेटिंग भी 4.8 है। मैं सारा बताऊंगा एम्बर्स के बारे में भी, कैसे ढूंढना होता है कैसे नहीं, बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें हैं जो अगर मुझे पता होती, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर ढूंढते हुए देखा है, अगर मुझे एम्बर्स के बारे में पहले पता होता तो मैं उनका बहुत पहले ही रिकमेंड कर देता हूँ। क्योंकि इसमें ऐसी एक चीज है कि प्राइस मैच फीचर है, अगर आपको कहीं और सस्ता मिल रहा है तो आपके लिए वो प्राइस पूरा उतना सस्ता कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये फीचर है प्राइस मैच की, इनके सारे कनेक्शन होते हैं गाइस, तो आपको उतना सस्ता में दे देंगे। इस चीज का बेनिफिट यही है कि आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं, वो उनकी बात यही है कि सबसे चीप हम देते हैं, बट अगर आपको मिल गया तो हम गारंटी देते हैं कि हम भी आपको चीप में दे देंगे। पर इन लोगों का बहुत चीपेस्ट प्राइजेस भी है, कॉस्टलियर प्राइजेस भी अगर एक्सपेंसिव ढूंढ रहे हो। सारा एम्बर के बारे में बताता हूँ गाइस क्या है क्या नहीं, और टिल देन अभी मैं बैंक अकाउंट पहुंचने वाला हूँ अपने बैंक में, बैंक का काम निपटाते हैं गाइस। गाइस मैं अभी पहुंच गया हूँ एलन ब्रुक सेंट्रल, और यहाँ पे पूरा एक मॉल है और के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे ANZ का भी है, तो मैं जाता हूँ अपने ANZ जिनको नहीं समझ में आ रहा ANZ, और इसमें मेरा पासपोर्ट है और पैसे हैं, थोड़ा डिपॉजिट कराने, दिखाता हूँ गाइस। Under pressure, if you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never, and turn your mind into the truest to go getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah, you know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I'm on top, yeah. तो गाइस पैसे डलवा लिए, थोड़ा मैंने दिखा दिया आपको कितने पैसे डलवाए कितने नहीं दिखाना चाहिए, अभी मम्मी का फोन आ जाएगा। बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत इजी होता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है बैंक अकाउंट का, और उसी से सारा हो जाता है। मैंने कल बैंक अकाउंट डाउनलोड किया था और आज मैंने पैसे डलवाने भी आ गया, देख लो गाइस। और कल रात को मैंने किया है, कम से कम 24 घंटा भी नहीं हुआ बैंक खुलवाया, तो देख लो गाइस ऐसे इतना इजी होता है। मेरा वो कार्ड जो आएगा वो 5 से 10 दिन के अंदर घर पे डिलीवर हो जाएगा, इतना इजी, ज्यादा कुछ हार्ड। तो गाइज अभी चलते हैं रिज्यूमेस बांटने, मेरे सामने यहाँ पे 2 शॉप्स हैं बट मुझे यहाँ पे करना नहीं है काम। मैं अभी जाऊंगा डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे, नैंडोज होती है इधर, हंग्री जैक्स होता है इधर, मैकर्स के बारे में तो आपको पता ही है, वहाँ पे जाऊंगा। मैकर्स वैसे नॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, बट ठीक है मैं एक बार दिया हूँगा, देखते हैं क्या क्या होता है कैसे नहीं, और आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं, आप कैसे रिज्यूमेस बांटते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पास में डोमिनोज है, 100-200 मीटर के में है, तो वहाँ पे एक बार चलते हैं और डोमिनोज से पहले अप्लाई करके आते हैं। गाइज मुझे मामा कहते थे जब मेरे पास शिफ्ट अच्छी होती थी ना, जब शिफ्ट होती थी, मामा कहते थे कि जा डोमिनोज में अप्लाई करा, वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। मैं नहीं जाता था, मैं सोच रहा शिफ्ट है यार मैं कैसे काम करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास इतने शिफ्ट है, मेरे पास घर बैठने का टाइम नहीं है, पर मैं जाता नहीं था गाइज। और अब मुझे उस चीज का मतलब वो इम्पोर्टेंस पता चली कि पहले अप्लाई करके रख दो, और अगर जैसे स्टडी ब्रेक्स आ रही हैं आप लोगों की, मेरी स्टडी ब्रेक्स अभी आने वाली है जिससे हम अनलिमिटेड आवर्स वर्क कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड आवर्स वर्क करने से पहले ही आपको अप्लाई कर, मतलब उस मंथ से पहले आपको अप्लाई कर देनी चाहिए ताकि आपके पास शिफ्ट है। तो बस आप लोग के लिए यही लेसन है गाइस, क्या समझ में आ रहा है कि अगर जॉब्स हैं भले ही कैजुअल जॉब्स है अगर, तो उस पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, कभी भी शिफ्ट खत्म भी हो सकती है, कभी कभी मिल भी जाएंगे अच्छी खासी, तो पहले से जॉब्स अप्लाई करके रखो एक्स्ट्रा में गाइस बैकअप के लिए। Hey mate, actually I wanted to apply for a job, like, is there any vacancy right now? Job? Yeah. If you have, like, your application. Yeah, I have my resume. Yeah, I can give it to my manager. Okay, yeah. They will always bloody hire me. It's okay, you can give it to a manager if is there any vacancy here. Yeah, no worries, yeah. Cheers, brother, thank you.
अभी डोमिनोज में तो मैं देख के आया, पर मैंने गलती कर दी, मुझे मैनेजर को देना था बट वो मैनेजर नहीं था, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैनेजर को दे देना। चलो कोई बात, अब यहाँ पे एक और इंडियन रेस्टोरेंट भी है गाइस, तो अभी इंडियन रेस्टोरेंट में ट्राई करता हूँ देने का। ये तो बंद है अभी, इसके ओपनिंग आवर्स 4:30 से, तो एक और इधर भी इंडियन, इस पे ट्राई करता हूँ। ये दोनों ही बंद है गाइस, क्या पता इंडियन रेस्टोरेंट शाम को ही खुलते हो। दोनों इंडियन रेस्टोरेंट्स गाइस दोनों बंद है अभी, और पता नहीं ये शायद शाम को खुलते होंगे, पता नहीं। और मैं दूसरी जगह से अप्लाई करके आता हूँ अभी, फिर तब तक। और गाइस ये रेट्रोविजन है, क्या है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिलता है। तो मैं एक ही बार आया हूँ मामा मामी के साथ यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ अगर अप्लाई करने पे मिल गई जॉब तो ठीक है। सो गाइस इसमें मैंने मैनेजर से तो डायरेक्ट बात कर ली, उसने बोला कि अभी तो वैकेंसी नहीं है, पर बाद में अगर हुई तो दिल कॉन्टेक्ट मी। ऑफकोर्स बोल रहे हैं हॉलीडेज के टाइम पे, यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे उन्होंने बोला। क्रिसमस तो भी भाई बड़ा दूर है, बट हॉलीडेज अभी आ रही हैं, तो क्या पता हो जाए, बिकॉज कुछ भी नहीं पक्का होता गाइस। यहाँ पे तुक्का लग गया तो लग गया, और जॉब मिल जाएगी। तो कीप अप्लाइंग, मैं भी अभी दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, टैको बेल देखता हूँ यहाँ पे सामने ही है, और एक KFC है, तो KFC में भी अप्लाई करके आता हूँ। यहीं पे हंग्री जैक्स भी एक और, तो दोनों में तीनों में ट्राई करके आता हूँ। चलो लेट्स गो। नंबर प्लेट देखो गाइस, अभी गाइज मुझे मेरे कजिन को भी लेने जाना है स्कूल से, टाइम हो गया उसका भी, तो जल्दी से यहाँ पे दे देता हूँ, और दो में बाद में देंगे। अभी हंग्री जैक्स का तो गाइज मुझे फॉर्म फिलअप करना है, रिज्यूमे तो मैंने दे दिया, फॉर्म भी थोड़ा सा फिल कर दिया। मैं कजिन को लेने गया था स्कूल से, अभी फिर ड्रॉप कर दिया घर पे मैंने उसको, और अभी मैंने KFC अप्लाई कर दिया, अभी टैको बेल भी अप्लाई कर देता हूँ, और वो बाद में हंग्री जैक्स का फॉर्म में भरते रहता हूँ। अभी पहले यहाँ पे टैको बेल में दे देता हूँ एक रिज्यूमे। I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the गाइस शायद ना टैको बेल मुझे मिल सकती है कैजुअल से। मैं गया फ्रंट डेस्क पे बोलने, तो उन्हें सामने शायद उनका मैनेजर ही बैठा था, तो मैनेजर से बात मैंने करी डायरेक्ट, और उसने बोला मैं IGM पता नहीं कोई उससे बड़ी पोस्ट होती होगी, उसने बोला IGM से मैं बात करता हूँ। तो उसने बोला वी विल बस यू एट डे शिफ्ट्स, वी डू नॉट हैव एनी शिफ्ट्स राइट नाउ, सो वी विल गिव यू सम शिफ्ट्स लाइक एट द नाइट टाइम एनीथिंग लाइक दैट, सो दे डोंट लाइक मी, आई विल बस यू व्हेन वी विल नीड यू। आई सेड देम लाइक ओके ब्रो थैंक्स। अब मैं हंग्री जैक्स का फॉर्म फिलअप करता हूँ गाइस, एंड उसके बाद मेरे पास कुछ शायद 3-4 रिज्यूमे और बच जाएंगे, मैं फिर एक और जगह एक दो जगह और देके आ जाता हूँ, और सब दिखा दूंगा इस कैसे कर रहा हूँ। और थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है गाइस कैसे रिज्यूमे देने अंदर जाए, कैसा लगेगा कैसा नहीं, बट गाइस कॉन्फिडेंस ही चीज है, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ी सीख के आया हूँ, अब करना तो पड़ेगा जॉब की, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग ये नहीं करते क्योंकि उनको शर्म आती है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, बट गाइस अगर जॉब चाहिए तो थोड़ा तो करना पड़ेगा, घर बैठ के कोई ऐसा नहीं देने आएगा जॉब, सो थोड़ा करना पड़ेगा। और टेंशन मत लो गाइस, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, और किसी किसी को नीड होते तो जैसे उनने मुझसे सामने ही बात कर, तो वो सामने भी बात कर लेंगे अगर उनको खुद नीड होगी तो। एंड अभी मैं दूसरी जगह हंगी जैक से एक बार फॉर्म फिलअप कर दूं और उनको देके आता हूं गाइस। उनका पेन भी मैंने ले रखा है, और मैंने बोला पेन में आके देता हूं, तो पेन भी कहीं वो ये ना बोल दे कि पेन ही ले गया हमारा, ठीक है ना। अभी फॉर्म फिलअप करके उनको पेन भी देके आता हूं। गाइस मैंने हंग्री जैक्स वालों का फॉर्म तो भर दिया है, अभी उनको ये देखे भी आता हूँ और उनका पेन भी देके आता हूँ। गाइस अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, ठीक है, अब आप मेरी किस्मत कहोगे यार सच्ची में जॉब्स अवेलेबल है, मुझे नहीं पता। हंग्री जैक्स से मेरे को अभी जस्ट जॉब मिल गई गाइस, एंड मैं विश्वास नहीं कर रहा, मैं जिस दिन अवेलेबल हूँ उनको भी बंदा उसी दिन अवेलेबल चाहिए। मुझे अभी हंग्री जैक्स में गाइस फाइनली डन हो गया, मैं जो वर्किंग जो मेरे 24 hours कम्प्लीट नहीं हो रहे थे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, तो मुझे उबर करने की जरूरत नहीं है, एंड मेरे 24 hours वर्क हो जाएंगे इस वीक में। उन्होंने बोला अगर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे, एंड होता है वर्चुअल इंडक्शन, मैंने आपको पिछले में भी बताया था ब्लॉग्स में, 3 घंटे की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, अगर उन्होंने बोला कि आप 24 घंटे के अंदर कर दोगे तो मैं आपको इसी फ्राइडे पहले शिफ्ट दे दूंगी, आज वेडनेसडे। तो गाइस सोच लो, मेरे को पता नहीं है मेरी किस्मत है या फिर सच्ची में जॉब्स अवेलेबल है, मैं तो ये कहूंगा कि जॉब्स अवेलेबल है। अब मैं आप सबके सामने ही इतने रिज्यूमेस बांट रहा था, अब क्या पता मुझे वहां से भी जॉब मिल जाए जो मैंने अभी रेट्रोविजन में आपको दिखाया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा वहां पे जॉब, इनने मुझे दिया तो मैं इनको प्रायोरिटाइज करूंगा, और यहाँ पे उन्होंने बोला सेम काम है जो मैं दूसरी जॉब्स में करता हूँ, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत बड़ा चेंज भी नहीं आएगा। गाइस ये आपके लिए मोटिवेशन है कि जॉब्स अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, एंड व्हाट आपको करना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू डू इज जस्ट गेट आउट ऑफ योर होम एंड जाओ भाई, कीप अप्लाइंग, गिव योर रिज्यूमेस एवरीवेयर, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू, जस्ट इट्स दैट इजी। अब मेरे पास 5 रिज्यूमे और पड़ेगा इस गाड़ी में, अभी मैंने काउंट करे, तो अब मुझे वो रिज्यूमेस देने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू गॉड।
सो यस गाइस, दिस इज मोटिवेशन फॉर यू ऑल। और मैं आज बहुत खुश हो गया अभी ये जॉब देख के। एंड इसी बात से मिठाई लेने चलते हैं गाइस, क्योंकि मैंने एक मन्नत भी मांगी थी और वो भी मन्नत भी पूरी हो गई। पता नहीं मैं बहुत लकी हूँ या नहीं, क्या चीज है। तो अभी जाते हैं स्पर्ट शर्ट मिठाई लेके आते हैं। मामी कल बोल रही थी मैं ले आती हूँ, पर अपने पैसे से अगर मैं ले आऊंगा तो बेटर है, क्योंकि सही है ना, मन्नत मैंने मांगी, मामी मिठाई आप ला रहे हो। ठीक है, तो मैं लाता हूँ मिठाई गाइस। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया होगा, आई डोंट नो, सो कीप वॉचिंग। मैं धीरे धीरे छोटा छोटा करके दिखाता हूँ। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस इंडियन शॉप पे आया हूँ मिठाई लेने। ओके, $35 पर केजी। ओके, सो कैन यू जस्ट पैक दिस वन 500 या एंड दिस वन 500 ग्राम। गाइस मिठाई ले ली है, और मिठाई का प्राइस क्या है, $35 पर केजी, मतलब 2000 रुपए का एक किलो मिठाई, 2000 रुपए की एक किलो मिठाई फ्रॉम द इंडियन स्पाइस हाउस। कोई बात नहीं गाइस, आओ आप भी खर्चे करो ऐसे, ठीक है। ये मेरी मन्नत का है, मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता वैसे यहाँ, और ये मन्नत का है तो मैंने पैसे वैसे नहीं देखे। अभी ये चढ़ा दूंगा मैं घर के मंदिर पे, फिर थोड़ा बहुत खा लेंगे। यस गाइस, सो मुझे अभी एम्बर के बारे में भी आप लोग को बताना है कि आप लोग कैसे अपना घर ढूंढ सकते हो इंडिया में बैठे हुए, और अगर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हो कैसे चीपेस्ट प्राइस में घर ढूंढना है, वो सब बताता हूँ गाइस, रुको अभी। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिलियन प्लस बेड्स है एम्बर के पास, और 800 प्लस यूनिवर्सिटीज है, और नीचे आप देख सकते हो पॉपुलर सिटीज, जहाँ पे जो भी सिर्फ स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया नहीं, जिस सिटी में भी आप रहते हो, किसी भी कंट्री के, हर कंट्री के सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जाके, पर्थ में अभी इन कैजुअली यहाँ पे दिखा रखे कि क्या कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, और साइड में मैप भी दिया है कि लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्ट, उससे भी पता कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस लो हाई के चक्कर में, और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो जिसके नियर बाय आपको ढूंढना है। मैंने UWA लिखा नहीं आया, बट द यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, उससे आ गया ये, ठीक है। अब देखो गाइस, जो ये ऑप्शंस आए हैं ये ऑलरेडी मेरे नियर बाय ही हैं, मेरे यूनी के मतलब मेन सिटी में ही है ये चीज़ें। और यहाँ पे आप अपना वो भी चूज़ कर सकते हो, बजट जितना भी आपका प्राइस रेट है। अब मैंने थोड़ा कम करके देखा तो और नए नए ऑप्शंस आ गए, और थोड़े सस्ते भी आए हैं। यहाँ पे मूव इन मंथ का भी ऑप्शन है, अगर आप ऑलरेडी रहते हो और एक महीने में आ रहे हो तो भी ठीक है, अगर इंडिया से अभी आने वाले एक महीने में तो आपके लिए वो ऑप्शन है। अब एक दो ट्राई करके देखते हैं गाइस, जो बिक चुके हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं उनको ट्राई करके देखते हैं, उनमें ऐसा क्या था जो ये सोल्ड आउट हो गया इतनी जल्दी। तो मैंने एक बार क्लिक किया इसमें, देखते हैं, रूम तो बढ़िया ही दिख रहा है गाइस, और कैंपस पर्थ लिखा है, ये पिक्चर्स इसके इनसाइड की, भाई ये मेरे गलती से यूनिका खुल गया। तो ये पिक्चर्स हैं यहाँ पे गाइस पूरे रूम्स की, देखो गाइस। अब इस प्राइस में हमें क्या क्या मिल रहा है गाइस वो चेक करते हैं। यहाँ पे $50 का आपको कैशबैक मिलेगा अगर अपने फ्रेंड को रेफ़र करोगे, सिर्फ एम्बर पे है गाइस। और यहाँ पे व्हाट विल यू गेट में लिखा है, जो आप पे करोगे रेंट उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका वाटर बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वाईफाई भी इंक्लूडेड है गाइस, तो नेटवर्क का ज़्यादा चक्कर नहीं है। और कुछ कुछ कॉमन अमेनिटीज़ भी है गाइस, ये सब इतनी सारी हैं देख लो आप लोग, और यहाँ पे सारा ब्रीफ में दिया हुआ है। तो गाइज, ये स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करने से पहले मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था पूरी वेबसाइट को, और अभी भी मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ ये ऊपर नीचे करके कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, जो हमें बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। सो आप लोग भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि जो आप लोकेशन में सर्च कर रहे हो हर लोकेशन में अलग अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों ने ऐड कर रखी है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, डायरेक्ट लिंक है, उस पर क्लिक करो और आप सर्च करो और बुक करो जल्दी से, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मेरे अगर रिलेटिव्स नहीं होते ना गाइस तो मैं ये एम्बर से अभी चूज कर रहा होता अपने घर। सो अगर आपको घर चाहिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डिस्क्रिप्शन में और जाओ और चेकआउट करो गाइस। और ये रहा जो बेस्ट फीचर मैं बोल रहा था आपको गाइस, प्राइस मैच वाला गारंटी दे रहे हैं लोग।